उज्जैन में आज नगर निगम की टीम ने शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान जयसिंहपुरा क्षेत्र में जमकर विवाद हो गया। नगर निगम की टीम जिस मकान को तोड़ने पहुंची थी, उस मकान में रहने वाली महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और एक महिला ने खुद पर केरोसिन भी डाल लिया। निगम ने खास तौर से पिछले कुछ दिनों में बदमाशों के ठिकानों को तोड़ने के साथ शहर में आवारा मवेशियों के लिए बनाए गए अवैध बाड़ों को तोड़ने की कार्यवाही की। नगर निगम ने आज सबसे पहले नीलगंगा क्षेत्र में स्थित जबरन कॉलोनी में पासियों के अवैध बाड़ों को तोड़ा। यहां पासियों ने सुअर को रखने के बाड़े बना रखे थे। यहां हल्का विवाद हुआ, जिसके बाद निगम की टीम जयसिंहपुरा इलाके में पहुंची। यहां पर आवारा गायों का भी बाड़ा था, जिसे तोड़ने की कार्यवाही की जाना थी, लेकिन जिस शख्स ने बाड़ा बना रखा था, उसने बाड़े के आगे रहवासी मकान भी बनाया हुआ था। निगम ने उसे भी अवैध निर्माण दर्शा दिया। निगम जब दल बल के साथ इस कब्जे को तोड़ने पहुंचे, तो उक्त मकान में रहने वाली महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसका सामना निगम की टीम और पुलिस को करना पड़ा। एक महिला ने तो खुद पर केरोसिन भी डाल लिया, जिसे रोकने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। निगम अपनी कार्यवाही को सफल करने के लिए पुलिस बल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन को लेकर गई थी, ताकि हर परिस्थिति से मौके पर ही निपटा जा सके। इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, मकान को तोड़ा जा रहा है। एक्चुअली इस मकान की कोई अनुमति नहीं, बिना अनुमति का मकान बना हुआ है। हमारे भवन अधिकारी ने ऑलरेडी इनको पहले से नोटिस जारी किया था और इसके लिए इन्होंने कोई भी ऐसी इलीगल बात नहीं की है। और साथ में इस मकान के पीछे काफ़ी पशुपाड़े हैं, जो पशुपाड़े ही नहीं होके इनके कई पशुपाड़े शहर में अन्य जगह भी है। अभी पशुपाड़े खाली पड़े क्योंकि इनकी जो गायें हैं वो शहर में छोड़ दी गई है, तो शहर की अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है और कई लोग जख्मी हो गए गायों के एक्सीडेंट के कारण। तो एक इसी का है, क्योंकि ये मकान तो इसलिए टूटा कि अवैध तरीके से निर्माण किया गया, बाकी जो अवैध बाड़े हैं वो हम उसको तोड़ रहे हैं, ताकि ये पशुओं की संख्या नगर में सड़कों पर कम दिखें। काफ़ी विरोध परिवार द्वारा किया गया है, काफ़ी देखिए, अब कोई चीज़ अगर तोड़ी जाती है तो विरोध तो होगा, क्योंकि वो उनकी अपनी संपत्ति है, लेकिन उन्होंने उसको गलत तरीके से उसको याद किया था। और ये बता रहे थे इनके भी बाड़े नहीं, पीछे बहुत सारे बाड़े अभी सब देख के आए हैं सभी अधिकारी वगैरह, और शहर के अन्य जगह भी बाड़े हैं। आप पीछे जाके देख जरूर लें कि कैसे बाड़े बने और कितनी तादाद में होंगे। आप अंदाजा लगा सकते कम से कम 200-300 गायें आ जाए, इतनी बड़े बाड़े हैं। सभी बाड़े जितने भी हैं, जितने पशुपालन वाले हैं, सभी पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने पहले भी तोड़े हैं बाड़े, लेकिन फिर बना लिए गए, हम फिर तोड़ेंगे। योगेंद्र सिंह भट्ट भाई। उज्जैन में कार्तिक अगहन मास में सोमवार को महाकाल की शाही सवारी निकली, जिसमें देशी विदेशी फूलों से सजी पालकी में सवार होकर अवंतिका नाथ ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान मार्ग पर 4 घंटे आस्था का उल्लास छाया रहा। सभा मंडपम में पूजन के पश्चात शाम 4 बजे पालकी शिप्रा तट की ओर रवाना हुई। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल के जवानों ने राजाधिराज को सलामी दी। इसके बाद सवारी नगर भ्रमण के लिए निकली। इस शाही सवारी में महाकाल का ध्वज, पुलिस का अश्वरोही दस्ता, पुलिस बैंड, सशस्त्र बल की टुकड़ी, भजन मंडलियां, झांझ डमरू दल के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। यह सवारी हाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी, रामानुज कोट होते हुए शाम करीब 4:40 पर पालकी शिप्रा के रामघाट पहुंची। यहां महाकाल पेड़ी पर पुजारियों ने महाकाल का शिप्रा जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके चलते कई संस्थाओं ने स्वागत मंच से पुष्प वर्षा कर सवारी का स्वागत किया। आज कार्तिक और अगहन मास, मार्गशीर्ष मास की ये शाही सवारी थी, जो कार्तिक और अगहन मास में अमावस्या के पहले जो भी सोमवार आता है अमावस्या, उस दिन ये सवारी परंपरा अनुसार से निकलती है। आज यही भगवान महाकाल स्वरूप में यहाँ से रामघाट, वहाँ पूजन होने के बाद जो सवारी रामघाट से वापस आती है श्राव कार्तिक मास में, वो यह सवारी का वापस ने आके सीधे गनगौर दरवाजे से निकलती हुई पुनः अपने जो पुराने रूट पर जाकर मिलेगी। और फिर आज चूँकि शाही सवारी है कार्तिक और अगहन मास की, तो ये जो सावन की शाही सवारी का स्वरूप रहता है, जो मार्ग रहता है, उसी मार्ग से ये पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। कितने सवारियाँ थी इस बार? तो इस समय 4 सवारियाँ थी, ये 34 सवारी है। 2 कार्तिक में आई थी और 2 अगहन में आई है। तो ये आज ये इन दोनों मास की आज शाही सोमवार है। इस सोमवार को बाबा का शाही सवारी आज इसको शाही स्वरूप में निकल गई। गंज बासोदा में राजनीतिक पार्टियां 11 तारीख के रिजल्ट के इंतजार में हैं।
कि आखिर सत्ता किसके हाथ लगती है, तो वहीं सपाक्स पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस दौरान लोकसभा की तैयारियों को लेकर ग्यारसपुर के मानसरोवर आश्रम पर बैठक संपन्न हुई, जिसमें सपाक्स पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे, जिनको जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह दांगी द्वारा संबोधित किया गया। बैठक में सपाक्स पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर रविंद्र रघुवंशी ने भी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बैठक में गंज बासोदा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता एवं पोलिंग एजेंट पहुंचे, जहां पर सभी का स्नेह भोज आयोजित किया गया था। देखिए, लोकसभा चुनाव में अभी समय है, 5 से 6 महीने का समय है, और हम चाहेंगे कि हम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर और बहुत अच्छी तरीके से लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि अभी लोकसभा के बारे में ऊपर चर्चा विस्तार से नहीं हुई है। त्रिवेदी जी के साथ से भी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि हम लड़ रहे हैं। उनसे संपूर्ण बात होने के बाद ही लोकसभा पर विचार किया जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि चुनाव लड़ें और पूरी 542-47 सीटों हम लोकसभा चुनाव लड़ें। तो ये थे सपाक्स पार्टी के जिलाध्यक्ष। लोकसभा की तैयारी है, जैसे ऊपर से आदेश होगा तो विदिशा जिले में जिस प्रकार से सपाक्स पार्टी ने हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ी थी, तो अब ये आंकड़ों के साथ 11 तारीख को सामने आ जाएगा और सपाक्स पार्टी ने कुल मिलाकर एक अधिकारों की आवाज़ उठाई थी। अब उन अधिकारों के लिए जनता ने कितना समर्थन किया ये भी 11 तारीख को पता चलेगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए विदिशा से विजय विद्रोही की रिपोर्ट। शाजापुर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी हुकम सिंह कराड़ा अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोक्षी को लेकर हुई हिंसा में मारे गए पुलिस वाले के परिजनों को सरकार ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी माने जा रहे बजरंग दल नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी योगेश राज ने ही सोमवार को गोक्षी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 27 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मेरठ जोन के ADG प्रशांत कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 2 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। वहीं SIT इस बात की जांच कर रही है कि हिंसा के दौरान पुलिस वालों ने सुबोध कुमार को अकेला क्यों छोड़ दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है। उनकी पत्नी को 40 लाख रुपए तथा माता पिता को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्रित परिवार को असाधारण पेंशन व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों के इंतजार में बैठे BJP और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक्शन में नजर आ रहे हैं। शिवराज ने परिणामों से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई है तो PCC चीफ कमलनाथ ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों को बुलाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। परिणाम जो भी रहे, लेकिन कांग्रेस संगठन की कसावट और जमावट का सिलसिला इस मीटिंग के बाद और तेज होने की संभावना है। दिसंबर का इंतजार उम्मीदवारों के लिए भारी है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन दिग्गज नेताओं में है जिनके चेहरे के साथ पार्टी ने चुनाव मैदान मारने की योजना बनाई थी। कांग्रेस ने CM का चेहरा भले ही घोषित न किया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस की कमान देकर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और चौथी बार सरकार बनाने के दावे के साथ ही इनके लिए सवाल उठा दिए हैं। अब प्रदेश की जनता का फैसला EVM में कैद है। 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं। इस दौरान कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाकर एक्शन शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चुनाव के दौरान संगठन में नियुक्त किए गए नए पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा भी की जाएगी। उम्मीदवारों से चुनाव जीतने की संभावना के साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि चुनाव के दौरान पार्टी के किन किन नेताओं ने उनकी सक्रियता से मदद की। इसके साथ ही ऐसे नेताओं की लिस्ट भी तैयार की जाएगी जो चुनाव के दौरान निष्क्रिय बने रहे या जिन्होंने भीतरघात किया हो। कुल मिलाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सक्रिय करने के इस एक्शन प्लान से लग रहा है कि कमलनाथ चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद ही लोकसभा चुनाव की जमावट में हर नेता की भूमिका अभी से तय कर देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदामा खाड़े ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को कहा कि अपनी अपनी विधानसभा के अभ्यर्थियों को सूचित करें
कि मतगणना के लिए अभिकर्ता नियुक्ति के फॉर्म 7 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे, इसके बाद फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। दरअसल भोपाल पुरानी जेल स्थित मतगणना केंद्र पर लगी काउंटिंग टेबल्स पर प्रत्याशियों की तरफ से अभिकर्ता नियुक्ति के लिए एक निर्धारित प्रारूप आवेदन करना होगा। मतगणना एजेंट के प्रवेश पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप 18 क में 2 पासपोर्ट फोटो, नाम, पता और आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ कलेक्ट्रेट में जमा करना होगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल अभ्यर्थी या चुनाव संचालक के मान्य हस्ताक्षर से ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसके साथ ही मतगणना के दौरान कुछ चिन्हित अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को सेलफोन लेकर परिसर में आना वर्जित रहेगा। इस दौरान मीडियाकर्मी केवल मीडिया सेंटर तक ही सेलफोन ले जा सकेंगे।